बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ चटनी, यानी के गोश्त की चटनी। लेकिन उससे पहले हमने एक पाव गोश्त लेके, हमने सिर्फ गोश्त ही गोश्त लिया है, बिल्कुल साफ सुथरी बोटियाँ ली हैं। सबसे पहले हमने इसे लहसुन अदरक के पानी में बॉईल कर लिया। उसके बाद इसके रेशे करके हमने इसके अंदर लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून लेके इसको अच्छे तरीके से मसाला लगा के रख दिया है। 1 कटोरी टमाटर हमने लिए हैं फुल भर के, मोटे मोटे टमाटरों को हमने काट लिया है। 2 टमाटर हमने लिए हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें लेके इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। 2 से 3 प्याज़े लेके इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाले का अलग हमने लिया है। 1 टीस्पून नमक हमने लिया है और 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का अलग लिया है। इसको हम बाद में शामिल करेंगे, इसको अभी शामिल करेंगे, लेकिन प्याज को हम अपनी बाद में शामिल करेंगे। एक बार फिर से आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको बनाने का तरीका बताते हैं। ये बीफ चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, इसके अंदर हमने नमक, गरम मसाला, काली मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट बॉयल करने के बाद लगाया है, और बोटियों के रेशे इसीलिए इसके अंदर जो मसाला आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला है, काली मिर्चें हैं, और ये बोटियाँ हमारी गली हुई हैं, इसीलिए इनके रेशे बिल्कुल आसानी से हो चुके हैं। अब हम आपको इसको बनाने का तरीका बताते हैं। तरीका इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये होती भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और पकती भी बहुत ही कम देर में है। सबसे पहले एक फ्राई पैन में हमने 4 चम्मच तेल लेके इसको जला लिया है। चम्मच आप देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा लिया है। हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ गर्म कर लीजिए। सबसे पहले तेल के अंदर टमाटर डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्चें डालेंगे, इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। एक बीफ चटनी अगर एक बार आप लोग बना लेंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल चाहेगा। अब इसके अंदर नमक, गरम मसाला और काली मिर्चें डालेंगे जो कि हमने आपको दिखाई थी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तेल के अंदर। पहले तेज चूल्हे पर पकाएंगे, उसके बाद चूल्हा इसका थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से नरम हो सकेंगे। एक बार आप ये बीफ चटनी बना लेंगे तो फिर हर बार बनाया करेंगे, लेकिन अगर आप एक बार भी इसको ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो टमाटर हमारे अच्छे तरीके से बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तब हम इसे इसकी मदद से घोट लेंगे, लेकिन अभी टमाटर हमारे कच्चे हैं। इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक देंगे। टमाटर हो चुके हैं हमारे बिल्कुल नरम। इसको हम हल्के चूल्हे पे छोड़ के चले गए थे 5 मिनट के लिए। अब इसका चूल्हा तेज़ करके इसको अच्छे तरीके से घोटेंगे। घोटने के बाद इसके अंदर फिर बाकी चीज़ें जो अभी रह गई हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर अपनी बीफ की बोटियां डाल देंगे, मसाला लगे जिनको हमने बॉईल करने के बाद मसाला लगा दिया था।
बीज की गोटियाँ हमने इसके अंदर डाल दी हैं। चूल्हा अब हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। टमाटरों का पानी तब तक खुशक होगा हल्के चूल्हे पे जब तक ये और इसका मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ये बोटियों की चटनी जब बनती है तो इसके अंदर लहसुन अदरक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। इसके लिए लहसुन अदरक को भूनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी टमाटरों के पानी में टमाटरों के साथ ही हम इसे जब भूनेंगे तो लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल होती है वो निकल जाएगी। एक बार आप ये चटनी बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। जो लोग गोश्त नहीं भी खाना चाहते वो भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी प्याज और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, जो कि हमें बिल्कुल लास्ट में शामिल करनी थी। अब इसको तेज चूल्हे पे हम भूनेंगे ताकि टमाटर और बोटियों पर लगा लहसुन अदरक अच्छे तरीके से भून सके। पाँच मिनट तक इसे भूनेंगे, उसके बाद डिश चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसके अंदर कच्ची प्याज कच्ची हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और उसके अलावा हमने सिर्फ कटी हुई मिर्चों का और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। खटास हो सकता है इसके अंदर थोड़ी सी कम हो, तो हम इसके अंदर अभी सिरका थोड़ा सा डाल देंगे। वैसे आप सिरका ना लेना चाहें तो नींबू भी ले सकते हैं। हम भी इसके अंदर नींबू भी डाल देंगे ताकि आपको याद रहे। आधा नींबू लेके फिंगर अच्छे तरीके से छोड़ देंगे हम। चटनी हो चुकी है हमारी बिल्कुल रेडी। अब हम इस प्लेट में निकल के आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी। बीफ चटनी इज रेडी। अब इसे प्लेट में निकल के आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी। हर चीज़ खाने के लायक होती है, हर चीज़ अच्छी होती है। एक बार लेकिन ट्राई करना आपका फ़र्ज है। ये देखिए हो चुकी है बीफ चटनी हमारी रेडी। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती कोताही और तारीफ़ को लिख के भेज सकते हैं। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है या हमने ठीक तरीके से नहीं समझाई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उससे हम आपकी हर शिकायत दूर कर देंगे। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।